अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल मॉडर्न विंग्स में आज आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे क्राइलॉन टीवी पेंट स्टिक के बारे में। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि क्राइलॉन टीवी पेंट स्टिक का यूज़ करते हुए किस तरीके से आप एक फ्लॉलेस जैसी ब्राइडल बेस घर में ही तैयार कर सकेंगे। एक अच्छी बेस बनाने के लिए आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन, कोई भी कोल्ड क्रीम होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास वैसलीन का मॉइस्चराइजिंग लोशन है, मैं इसको ही फेस पे अप्लाई करती हूँ। तो इसको हम अपने हैंड पे अप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से। बेस से पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्किन के जो ड्राई पार्ट है वो अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज हो जाते हैं और आपकी बेस एक इवन टोन बेस बनती है। मॉइस्चराइज करने के बाद अपनी स्किन को इस तरह से छोड़ दें। अगले प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आप एक और दो मिनट का वेट करें। स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद आपको चाहिए होगा एक प्राइमर। मेरे पास ये ट्यूज का प्राइमर है, मैं ये यूज़ करूँगी। ये एक जेल प्राइमर है, लेकिन आपके पास कोई भी प्राइमर है उसका यूज़ आप लोग कर सकते हैं। एक अच्छी और फ्लॉलेस बेस के लिए आपके पास प्राइमर होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी स्किन के ओपन पोर्स को सील कर देगा। दोबारा से एक या दो मिनट का स्टे करेंगे। नेक्स्ट जिस चीज़ का मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मेरे पास क्राइलॉन की टीवी पेंट स्टिक। मैं आपको दिखा देती हूँ, इस वक्त मेरे पास जो शेड है वो है चाइनीज़। मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ ये किस तरीके की होती है। ये इस तरह से येलो ब्राउन शेड होगी। ये एज ए कंसीलर, एज ए कलर करेक्टर फेस पे यूज़ की जाती है। अगर आपके पास चाइनीज़ है तो फिर आपको कोई भी कंसीलर और कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी, अब बात कर लेते हैं कि आपने इसको अप्लाई किस तरीके से करना है। फिंगर की हेल्प से थोड़ी सी अमाउंट ले और अपने फेस पे उन एरियाज पे अप्लाई करें जहाँ पे डिसकलरेशन है, या फिर आपकी नोज की साइड पर, आपकी लिप्स की साइड पे जो डार्क मार्क वगैरह हैं। तो जी, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके ये दिखा देती हूँ। आपके फेस के ऊपर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ येलो और ब्राउन सी शेड। ये आपकी स्किन से हर किस्म के डार्क सर्कल्स, पोर्स के निशानात, एक्ने के निशानात को इस तरीके से हाइड कर देगा कि जैसे वो कभी थे ही नहीं, और इसकी वजह से जो बाद में बेस अप्लाई करोगे वो एक इवन टोन बेस बनकर सामने आएगी। बेस बनाते हुए आप लोगों इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे, जब भी आप लोग एक चीज़ यूज़ करो तो उसको सेट होने के लिए एक से दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँ। तो मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से कंसील हो गया है। बेस को सेट करने के लिए आप कोई ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलती हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब मेरे पास क्राइलॉन टीवी पेंट स्टिक में जो नंबर है वो है 45 नंबर। इसको अप्लाई करने से पहले कुछ शेड आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। F1 एवरी शेड 36, 38, 45 और 54 आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा। इसमें 36, 38 और 45 पाकिस्तान में मोस्ट यूजफुल शेड्स हैं, और पार्लर में भी इन्हीं की ब्लेंडिंग करके हर किस्म की बेस तैयार की जाती है। मैं जिस नंबर को यूज़ करने जा रही हूँ वो है 45। 45 मेरे कलर कम्प्लेक्शन के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से मैच हो जाता है। क्राइलॉन टीवी पेंट स्टिक आप लोगों को एक थिक, हैवी और फुल कवरेज देता है। पाकिस्तान के पार्लर्स में ऑलमोस्ट टीवी पेंट स्टिक को ही यूज़ करके ब्राइडल बेस तैयार की जाती है। इसमें 36, 38 और 45 की ब्लेंडिंग करके आप कोई भी अपनी पसंद की, अपनी मर्जी के मुताबिक शेड तैयार कर सकते हैं। ये हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। इसको ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, इसको ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, कम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी, बातों पर मैंने इसको अपने हैंड पर अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। तो इसको ब्लेंड करना आपकी पूरी बेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। आपकी पूरी बेस ब्लेंडिंग पे डिपेंड करती है। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इस तरह से डैब डैब करते हुए आप अपने फेस के ऊपर इसको सेट कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रहा है और बहुत ही अच्छी इसकी कवरेज आ रही है। इस तरह से इसको सेट करते जाएँ आप लोग। तो जी, मैं आप लोगों को क्लोज करके दिखा रही हूँ, ये इस तरह से इसकी कवरेज हुई है, बहुत ही शानदार, बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से। हो सकता है ये कैमरे में आपको थोड़ी सी वाइट नज़र आ रही हो, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से फेस पे सेट हो जाती है और आपकी स्किन कलर के साथ मैच हो जाती है। नेक्स्ट है मेरे पास ग्लैमरस का ट्विन केक। इसको ट्विन केक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों सूरतों में ही यूज़ हो जाता है। इसको आप ड्राई फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो और इसको आप लोग वेट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये इस तरह से पिंक पैकिंग में है। मेरे पास इसकी जो शेड है वो है 02 शेड।
ये बहुत ही ज़बरदस्त है और आप लोगों की स्किन को मैट फिनिश देगा ये। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हमारी स्किन ड्राई है तो हमें किसी भी किस्म के फेस पाउडर की लास्ट पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यही वो स्टेप है जिसकी वजह से आपकी पूरी बेस लॉक हो जाती है और सेट हो जाती है, इसलिए ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से टैप करते हुए आप अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लीजिए। तो जी ये हमारी ब्राइडल बेस हो गई है तैयार। देखें कितनी फ्लॉलेस, कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी बेस बनी है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो उसको लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दें। साथ ही मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।